Hi children, welcome to the session 2, day 19, class 7, subject maths, chapter 4, simple equation. On day 18, we have studied exercise 4.4, question number 2. Question number 2 में कुछ questions ऐसे थे जो हमने exercise 4.1 में किए थे, वहाँ सिर्फ हमने equations बनाई थी, solve नहीं की थी. याद है हमने 4.1 में किए थे? अब वो ही कुछ question हमारे question number 2 और question number 3 में. 2 में तो हमने कर लिए, अब 3 में हम उनको और करेंगे. वहां हम देखेंगे 3 में 3 क्वेश्चन है, 3 के 3 पार्ट है, 1 2 एंड 3. तो आज डे 19 का भी सिर्फ ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है. हो सकता है ये 4 भी हो जाएगा, तो 4 भी कर लेंगे, ठीक है. तो देखिए, दो क्वेश्चंस तो हम इसके पहले ही कर चुके हैं, तो उसको सब एक बार और समझेंगे और करेंगे ध्यान से. क्लियरली वी विल अंडरस्टैंड दैट एंड आफ्टर वी विल सॉल्व देम. लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. Irfan says that he has 7 marbles more than the 5 marbles that the Pamit has. Irfan has 37 marbles. How many marbles does the Pamit have? Irfan कहता है कि उसके पास जो marbles है, वो Pamit के marbles के 5 times से 7 ज्यादा है. Pamit के पास जितने marbles है, उसके 5 times से 7 ज्यादा. Pamit के पास कितने है? We don't know. They let the marbles with Pamit. परमित के पास कितने मार्बल्स हैं? वाई मार्बल्स हैं. नौ. अब इसके 5 टाइम फाइव इंटू वाई फाइव वाई. देखिए, हो सकता है मैंने 4.1 में कोई अलग वेरिएबल लिया हो, तो उससे कोई कंफ्यूज मत होना कि सर ने वहां तो अलग वेरिएबल लिया, यहाँ अलग वेरिएबल लिया. दोनों अलग अलग वेरिएबल चूज कर सकते हैं. वेरिएबल अपने ऊपर डिपेंड करा, हम जो चाहे वो वेरिएबल चूज कर सकते हैं. मैं पहले बता चुका हूँ आपको इस बारे में. नाउ अब सीधी प्रॉब्लम बनाते हैं हम. क्या बनती है इक्वेशन हमारी कि जो 5 टाइम्स है उससे 7 ज्यादा है. ये इरफान के मार्बल्स है, बट किताब कहती है नहीं, इरफान के मार्बल्स तो 37 है. इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. आप कह रहे हो ये भी इरफान के मार्बल्स है, बुक्स के लिए ये भी इरफान के मार्बल्स है, इसमें बोथ आर इक्वल. Now we'll solve this. Solve करेंगे. 7 equal के उधर जाएगा, subtract हो जाएगा. और y equals to 30 upon 5, it means 6. So final answer हो जाएगा, left marbles with permit is. So marbles with Parmeet is equals to y equals to 6. Final answer. Aaya samajh mein beta? Let's proceed for the question number 2. B dekhiye iska. B question kehta hai, Lakshmi's father is 49 year old. He is 4 year older than 3 times the Lakshmi's age. Find what is the Lakshmi's age. क्वेश्चन कहता है कि जो लक्ष्मी के पापा है वो 49 साल के हैं, 49 इयर्स के हैं. अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है? He is 4 year older than the 3 times the Lakshmi's age. वो 4 साल बड़े हैं. किससे 4 साल बड़े? लक्ष्मी की एज की 3 टाइम्स कर लोगे ना उसके बाद. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी बात कर रहा हूँ. मोस्टली आप लोगों में से बहुत से बच्चे 12 साल के होंगे, ठीक है. तो अब मैं आपसे रिलेट करता हूं कि आप 12 साल के हो. अब 12 साल का 3 टाइम्स करो, 12 3 36, और 36 में 4 ऐड कर दो, 40. यानी ये आपके पापा की एज है, 40 इयर्स. कैसे निकाली? सीधी क्वेश्चन ये कहा है कि भाई जो आपकी ये पापा की एज है, आपके पापा आपकी एज के 3 टाइम्स से 4 ज्यादा है. अब आपकी एज क्या है? 12. 12 की 3 टाइम्स 36, और उससे 4 ज्यादा, 4 ईयर ओल्डर एल्डर, तो उसे प्लस 4 करेगा. आई बात समझ में? सो हाउ दिस हाउ वी विल डू दिस क्वेश्चन.
Let the age of Lakshmi. Is equals to ZL. Lakshmi said saal ki hai. Ab now, let's we proceed for us directly to the equation. Equation kya kehti hai? कि जो लक्ष्मी के पापा है वो लक्ष्मी की एज की 3 times से 4 ज्यादा है और किताब ने जो दे रखा है वो दे रखा है कि लक्ष्मी के पापा की एज है 49 years। अब आपके लिए नहीं ये है, बुक के लिए नहीं है, इसका मतलब क्या है? दोनों इक्वल है ना। दिस बिकम अवर इक्वेशन एंड वी विल सॉल्व इट। ये बन गई हमारी इक्वेशन और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, 49 - 4, ठीक है। सो z3z इज इक्वल्स टू 45 और z इक्वल्स टू 45 अपॉन 3 15, z इक्वल्स टू 15 फाइनल आंसर लिखेंगे। सो लक्ष्मीज H equals to Z equals to 15 years। 15 साल की है लक्ष्मी। आई बात समझ में? थर्ड का थर्ड क्या कहता है देखिए सुनिए। People of Sundagram planted trees in a village garden. Some of the trees were fruit trees, and the number of known fruit trees were 2 more than the 3 times of the number of fruit trees. What was the number of fruit trees planted if the number of non-fruit trees planted was 77? इसका मतलब है सुंदरग्राम के लोगों ने कुछ पेड़ उगाए, कौन से? फल वाले जिनको फ्रूट ट्रीज का है और बिना फल वाले जिनको नॉन फ्रूट ट्रीज का है। इसमें फल वाले फ्रूट ट्रीज कुछ हैं, कितने हैं नहीं बताया। बिना फल वाले फ्रूट ट्रीज कितने हैं? The number of non-fruit trees were 2 more than the 3 times of number of fruit trees। जो बिना फल वाले फ्रूट ट्रीज है वो फ्रूट ट्रीज के 3 times से 2 ज्यादा है, ठीक है। और number of non-fruit trees 77 है, तो इससे हमारी इक्वेशन बनेगी। कैसे non-fruit trees को निकालना है इन टर्म्स ऑफ फ्रूट ट्रीज में, ठीक है। और नॉन फ्रूट ट्रीज भी दे रखा है हमें यहाँ पे। ध्यान से सुनना, ये अभी तक जितना भी समझाई क्वेश्चन कुछ पल्ले नहीं पड़ा, दिमाग में घुसा भी नहीं होगा। मैं बताता हूं कि भाई एक वन थिंग इज 2 मोर देन द 3 टाइम्स ऑफ अदर थिंग। एक चीज दूसरी चीज की 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है और वो जो दूसरी चीज है वो कितनी है? 77। तो पहली चीज बताओ, ये चीज में भी कंफ्यूज हो गया। तो इसके लिए ले लो आप एक पेंसिल, अप्सरा की पेंसिल, नटराज की पेंसिल की 3 times से 2 ज्यादा है कॉस्ट उसकी। अप्सरा की पेंसिल की कॉस्ट, अप्सरा के पैकेट का पेंसिल का कॉस्ट 3 times से 2 ज्यादा है। अप्सरा का पैकेट 77 का है तो नटराज का पैकेट कितने का है ये आपको पता करना है। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, इतना कंफ्यूज मत हो। जो नहीं पता ना उसको लेट करो। लेट द नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज इज इक्वल्स टू टी। टी नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज है। नॉन फ्रूट ट्रीज कितने जाएंगे सीधी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम में आ जाओ। इसकी 3 times और उससे भी 2 ज्यादा। ज्यादा में हमेशा प्लस करते हैं, माइनस कम में हमेशा माइनस, और वो कितने हैं? 77। बन गई सिंपल इक्वेशन। इतनी बड़ी लैंग्वेज इसके लिए थी और डरा रही थी फोकट में हमें, ठीक है। तो डरा मत बेटा, 3t = 77 - 2, 3t = 75 or t = 75/3
3 × 1 = 3 × 25 टाइम्स। सो नंबर ऑफ फ्रूट ट्रीज आपके पास कितने हैं? सो नंबर ऑफ इज इक्वल्स टू टी इज इक्वल्स टू 25। ओके, समझ में आया? नाउ लेट्स प्रोसीड फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ओके एक रिडल है। रिडल कैसी है? आई एम ए नंबर, टेल माय आइडेंटिटी। रिडल यानी पहेली। आई एम ए नंबर, टेल माय आइडेंटिटी। टेक मी 7 टाइम्स ओवर इन एड 50 टू रीच ट्रिपल सेंचुरी यू स्टिल नीड 40। कुछ नहीं है, जिस पोएम पे बना रखा है ना उसके बस आपको लैंग्वेज भी उतारना है। सिंपली जैसा ये कहता है वैसा कर दो। मैं एक नंबर हूं, कौन सा नंबर हूं मुझे खुद को नहीं पता, तो नंबर को लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर आपकी बात चूज करते हैं कोई अच्छा सा लेटर एस। ठीक है, एस चूज किया हमने। टेल माय आइडेंटिटी, उसे कहा मैं एक नंबर हूं मेरी आइडेंटिटी बताओ। चलो हमने कह दिया नंबर कौन है, एस, तो एस हो गई इसकी आइडेंटिटी। टेक मी 7 टाइम्स ओवर, मुझे 7 टाइम्स ले जाओ, तो कर दो 7 टाइम्स। नेक्स्ट, उसके बाद क्या कहता है, एंड एड 50 और उसमें 50 एड करो। तो सीधा प्रॉब्लम पे आ जाओ आप, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या बनती है, 7s प्लस 50। अब इसको क्या कह रहा है, टू रीच ट्रिपल सेंचुरी, अगर इसको ट्रिपल सेंचुरी बनाना है, ट्रिपल सेंचुरी 300, यू स्टिल नीड 40, तो आपको इसमें 40 और एड करना पड़ेगा। कर दो 48 कहते हैं, ये किसके बराबर हो जाएगा, ट्रिपल सेंचुरी के। दिस इज अवर रीडर, ये हमारी रीडर है। खत्म, अब इस क्वेश्चन को गोली मारो, कुछ नहीं बचा, फिनिश हो गया ये क्वेश्चन। देखो सिंपल, 50 + 40 = 90। नाउ 7s इक्वल्स टू 300 - 90, 7s इक्वल्स टू 210 एंड s इक्वल्स टू 210 अपॉन 7। 7 हो गया, 7 से 3 टाइम और 0, सो s इज हाउ मच, 30। सो द नंबर इज फाइनली, सो द नंबर इज इक्वल्स टू s इज इक्वल्स टू 30 आंसर। ओके, फॉर टुडे इटसेल्फ आज के लिए इतना ही काफी बेटा। नेक्स्ट विल स्टडी ऑन डे 20।